गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज अनु मेहरा। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ रिलेशनशिप और लाइन रिलेशनशिप मतलब क्या, उसका क्या महत्व है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ये लाइन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप विच कनेक्ट द पोजीशन एंड टास्क ऑफ ईच लेवल विद दोज अबव एंड बिलो इट। अब इसका क्या मतलब है, लाइन स्ट्रक्चर वो होता है किस चीज़ से कंसिस्ट होता है, किस चीज़ का बना हुआ है, कि मतलब जो रिलेशनशिप है वर्टिकल रिलेशनशिप मतलब सीधा साधा रिलेशनशिप है, वो जो क्या है कनेक्ट, विच कनेक्ट द पोजीशन, जो क्या कनेक्ट करता है पोजीशन एंड टास्क ऑफ ईच लेवल, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन का टास्क है मतलब एम है वो। ठीक है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है। एक और डेफिनेशन है इसकी, इट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर इंटरेक्ट विच रिलेशनशिप थ्रू विच अथॉरिटी ट्रेवल्स। ठीक है, अब जो इसमें क्या है, इसमें वही मतलब है, ये क्या है स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टली, जो विचुअल रिलेशनशिप है थ्रू विच अथॉरिटी लेवल, जिसको अथॉरिटी है उसमें जो लेवल है मतलब के उसमें जो मतलब रिलेशनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेजेस क्या होती हैं इसकी। क्लियर कट रिलेशनशिप होता है, मतलब पहले भी मैंने बताया वर्टिकल रिलेशनशिप मतलब सीधा साधा रिलेशनशिप होता है। यूनिटी ऑफ कमांड, आपस में जो एम्प्लॉयज़ हैं एम्प्लॉयर्स हैं मैनेजर हैं, सब में क्या यूनिटी होती है। प्रमोट डिसीजन मेकिंग, मतलब कि सबका जो मतलब कि जैसे सब अपने अपने आइडियाज़ देते हैं तो सब मतलब कि सबकी बात सुनी जाती है, मतलब कि डिसीजन जो है मिल के लिया जाता है। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, ठीक है, आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है। ठीक है, वो मिलके काम करते हैं। फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको जो मैनेजर है वो सबको क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिवाइड कर देता है, कि ये एम्प्लॉय ये काम करेगा, ये करेगा। ठीक है, एंड डिसिप्लिन, जो सारे एम्प्लॉयर्स है वो क्या है एम्प्लॉयर्स है वो क्या है डिसिप्लिन में काम करते हैं। ठीक है, अब इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं, डिफ़िकल्टी इन स्टाफिंग। ठीक है, अगर मतलब कि स्टाफ ना हो, मतलब कि कम हो, तो क्या उसमें डिफ़िकल्टी आती है। कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, कई बार होता है कि मतलब पता नहीं लगता है कि मतलब अथॉरिटी मतलब किस किस को क्या क्या अथॉरिटी है। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, अगर मतलब जो स्टाफ है वो ट्रेंड नहीं होगा तो उसमें स्पेशलिस्ट नहीं होगी काम करने की। इनस्टेबिलिटी, ठीक है, अगर मतलब जो जैसे कोई पर्सन है किसी ऑफिस में काम कर रहा है, थोड़ा टाइम कर रहा है, कभी कहाँ कर रहा है, तो उसकी क्या स्टेबिलिटी नहीं होगी उसका। ठीक है, पुअर मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन जो है अगर पुअर होगी, मतलब कि जो उनको मोटिवेट करता है वो अच्छा मतलब कि पुअर मोटिवेशन देता, अच्छी मतलब मोटिवेशन ना देता। इनफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, इनफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब कि आपस में उनका जो क्या बोल सकते हो कि जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपस में ना हो। ठीक है, नो यूज़ फॉर लार्जर इंटरप्राइजेज, ठीक है, वो क्या है मतलब कि नॉट यूजफुल, कि मतलब जो लार्ज प्रेजेंटेशन होते हैं, जो लार्ज एम होते हैं जिनको हमने अचीव करना होता है, वो क्या है अगर उसको अच्छे से वो हैंडल ना कर पाए। ठीक है, ये डिसएडवांटेजेस है, ये हो गया लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है स्टाफ रिलेशनशिप। ठीक है, व्हाट इज अ स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु प्रोवाइड एडवाइस एंड सर्विस टू लाइन। अब इसमें क्या है, वो वाला पर्सन, ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करता है एडवाइस एंड सर्विस, किसको, लाइन ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, और भी इसकी क्या, प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उस पर एडवाइस देता है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इनेबल लाइन पीपल टू वर्क मोर एफिशिएंटली, अगर लाइन पीपल ना हो मतलब लाइन ऑर्गेनाइजेशन वाले पीपल ना हो तो क्या है तो वर्क जो है वो अच्छे से ना हो पाएगा। कैन नॉट डायरेक्टली इशू ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट इन द लाइन डिपार्टमेंट। ठीक है, कैन नॉट डायरेक्टली इशू ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट्स इन द लाइन डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि वो मतलब कि डायरेक्टली क्या है जो ऑर्डर्स हैं वो इशू नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है इसका, एडवांटेजेस क्या है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की। जो स्पेशलाइजेशन होती है स्टाफ में, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होती है, लेज़ अ बर्डन लाइन एग्जीक्यूटिव, मतलब कि क्या है कि सब में मिलके बर्डन होता है, सबको डिवाइडेशन की जाती है, बेटर डिसीजन लेते हैं मिलके, ट्रेनिंग भी अच्छी उनकी होती है और एडवांसमेंट होती है रिसर्च करने के लिए कोई भी। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी है, डिफरेंट ऑरिएंटेशन। ठीक है, अगर मतलब जैसे बोल सकते हो कि सबको एक जैसी ऑरिएंटेशन दी जाए तो अच्छे से काम कर पाएंगे। कन्फ्लिक्ट हो सकता है लाइन और स्टाफ रिलेशनशिप का, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो गया, एक्सेसिव रिलायंस हो गया, कॉस्टली स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लाइन मैनेजर और जो स्टाफ रिलेशनशिप मतलब उनका मतलब कि उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो क्या क्या होती हैं।
फर्स्ट है द लाइन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स प्लान एंड पॉलिसी। वो क्या करते हैं, मतलब कि फॉर्मेशन करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, एम की, प्लान की एंड पॉलिसी की, ठीक है। सेकेंड क्या है, मेकिंग डिसीजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसी एंड अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब इसमें वो क्या करते हैं, डिसीजन मेक करते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है, और उसको क्या है, प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या, प्रोवाइड सुपरविजन एंड लीडरशिप। वो क्या करते हैं, जो मतलब कि सुपरविजन, मतलब सब चीज़ को सुपरवाइज करते हैं और लीडरशिप करते हैं। अचीविंग कोऑर्डिनेशन एंड एक्सरसाइज कंट्रोल। अब इसमें क्या, अचीविंग कोऑर्डिनेशन मतलब कि कोऑर्डिनेशन रखते हैं आपस में। नेक्स्ट, स्टाफ मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एडवाइस दे सकता है, हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है लाइन मैनेजर को इन द परफॉर्मेंस टू अबव फंक्शन, ठीक है। सेकेंड, प्रोवाइड स्पेसिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। इंटरप्रेट ऑब्जेक्टिव प्लान एंड पॉलिसी, वो क्या करता है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्लान्स हैं, पॉलिसी है, उनको इंटरप्रेट करता है, ठीक है। मेक द बेस्ट टू अवेलेबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसी, ठीक है। वो क्या करता है, बेस्ट टूल को यूज़ करता है ताकि वो अच्छे से क्या है, प्लान एंड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट उन पर कर सके। हेल्प इन द सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, अब क्या करता है, वो हेल्प करता है सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग की, मतलब कि जो एम्प्लॉयज की सिलेक्शन की जाती है और एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है, वो डिसाइड करता है। मेयर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, ठीक है, वो क्या करता है, मतलब कि जिसे बोल सकते हो, कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इफेक्टिवनेस प्रेजेंट किया जा सके, ठीक है। ये था आपका टॉपिक, ठीक है, इसको देख लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।